आज आपको गोल्ड के अंदर बाई करना है या सेल करना है, और अगर आपका बाइंग का ट्रेड लगा है या आपका सेलिंग का ट्रेड लगा है, क्या आपको होल्ड करना है बाइंग के अंदर या आपको सेलिंग के अंदर होल्ड करना है, आज का क्या है एनालिसिस सारा आपको दिखाने वाला हूँ। कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है, और जिनके पहले के ट्रेड लगे उनको कहाँ पे क्लोज करना है और कहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, सारा एनालिसिस आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और जो हमने यहाँ पे कल एनालिसिस किया था, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो चेक नहीं की है तो जाके देख लो, जो हमारे कल के ट्रेड लगे थे ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट हमारे ट्रेड हैं। और आपको कल मैंने बोला था कि जिसका भी यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लगा है आप होल्ड कीजिएगा, और सेम वैसे ही यहाँ पे जितने भी बाइंग ट्रेड लगे थे, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ पे बाइंग के ट्रेड लगे थे लास्ट 2 वीक के अंदर, और जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, और ऑलमोस्ट आज बिल्कुल मार्केट गिरी नहीं है। जहाँ पे हमारी लास्ट वीकेंड में मार्केट क्लोज हुई थी वहीं से यहाँ पे जितने भी आज सब ट्रेड हुए वो बाइंग के लिए बने, और अभी मार्केट ने जो हमारा डाउन ट्रेंड था उसको मार्केट ने कहीं रोक दिया है। तो चलो क्या करना है, आपको अगर आज किसी ने यहाँ पे सेलिंग का किया होगा या किसी ने बाइंग का किया होगा, तो आपको कहाँ पे जाना है, मतलब कहाँ तक आपको बाइंग करनी है, कहाँ तक सेलिंग करनी है, और मार्केट इस टाइम कौन से ट्रेंड में है। क्योंकि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब भी ट्रेड करना है आपको सबसे पहले मार्केट में ट्रेंड देखना है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो आपका कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होगा, बल्कि अगर आपके पास $100 का अकाउंट होगा तो विद इन 1 वीक के अंदर वो अकाउंट $500 का हो सकता है, $1000 का हो सकता है, $100 का अकाउंट अगर आप ट्रेड ट्रेंड के साथ करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 1 घंटे के ऊपर ले चलता हूँ, और जो हमने आज ट्रेडिंग की है, जो मैंने कल ही आपको यहाँ पे ट्रेड दिए थे, जो आपको मैंने कल एनालिसिस दिया था, वो भी लाइव दिखाने वाला हूँ कि कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मतलब आज हमारा एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगा है। मैंने यहाँ पे जो आपको कल दिया था वहाँ पे एक्यूरेट 100% मतलब हमारी मार्केट वैसे ही चली है, और सब लोगों का यहाँ पे बहुत प्रॉफिट हुआ है आज के अंदर। जिन लोगों ने कल यहाँ पे हमारा वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी मार्केट को देख लो जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और जो कल की मेरी वीडियो थी वो यहाँ पे आप देख लेना कि उसमें मैंने क्या एनालिसिस किया था। तो पहले मैं आपको आज के बारे में बोल दूँ कि अब क्या होने वाला है। आज पहले मैं 1 आवर के ऊपर मार्केट को खोलता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 1 घंटे के ऊपर खोल लिया है मार्केट को, और अब आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है। अगर आप लोग पीछे से वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले इस ट्रेंड के बारे में बोला था कि कौन सा हमारा ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड कहाँ पे फंस सकता है। अगर आपने कोई हमारी वीडियो पीछे से नहीं देखी है तो आप लोग हमारी वीडियो जाके देखो, और आगे जो हमारा एनालिसिस रहेगा हर दिन, मतलब आपको सुबह मॉर्निंग में हमारी वीडियो 5 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी। मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और सुबह 5 बजे आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाया करेगी, पब्लिक हम कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले जब आप सुबह ट्रेड लेते हो, गोल्ड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको सबसे पहले सुबह 5 बजे जाके ये वीडियो देखनी है हमारी हर रोज़, अगर आप ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी लाना चाहते हो, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा ट्रेड करना है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, क्या चल रहा है, आपको पूरा एनालिसिस करके देंगे हम, आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये हमारा सारा पीछे का एनालिसिस है, क्योंकि हम हर रोज़ यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको हमारे सिग्नल्स चाहिए और आपको जो हमारा एनालिसिस चाहिए वो तो आपको हम हर रोज़ सुबह देते ही हैं यहाँ पे मार्केट में। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में जो डाउन ट्रेंड हमारा था, आप देखो जो मैंने ये रेड लाइन में यहाँ पे पैरेलल लाइन खींची है, ये हमारा जो स्टार्ट हुआ था यहाँ इस वाले पॉइंट से ये हमारा जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इस पॉइंट से, और फिर जो ये वाला यहाँ पे मैं ये एरो कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एक साइडवे मार्केट चली थी, उसके बाद भी हमारा डाउन ट्रेंड था, लेकिन ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो, ये वाली ब्लैक लाइन दो, इसके अंदर हमारा आया था, मतलब फिर जो पहले मतलब बड़ा था, बड़े बड़े मूव ले रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक साइड वे जाने के बाद फिर इस ब्लैक में मैंने एक खींचे, इसी रेड लाइन का जो हमारा पैरेलल चैनल है इसी चैनल के अंदर मैंने एक ब्लैक पैरेलल मतलब यहाँ पे ब्लैक खींचे, क्योंकि इसके अंदर चले गया, देखो फिर इसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करा था, यहाँ पे इसी के अंदर हमारा डाउन ट्रेंड बना था, मतलब पहले बड़ा मूवमेंट ले रहा था, उसके बाद साइड वे जाने के बाद फिर छोटे मूवमेंट ले रहा था। तो ये तो हमारा पिछले 2-3 वीक की बात है, इसके अंदर क्या हुआ, बहुत से लोगों ने यहाँ पर बाइंग की, क्या कंटिन्यू बाइंग, और लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मैंने बोला भी था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और फिर देखो अब ये वाला जोन जो यहाँ पे मैंने बड़ा सा खींच के रखा है नीचे, ये वाला जोन, ये जिसको मैंने यहाँ पे एक पैरेलल चैनल में ड्रा भी किया है, देखो ये वाला जोन, तो जब इसके अंदर पहुँची, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर गिरी थी तो इसी जोन से यहाँ पर उठी थी मार्केट, तो अब जब यहाँ पे मार्केट इस जोन में आई इस बार नेक्स्ट टाइम फिर से, लेकिन यहाँ पे आपको अब देखोगे तो सेम उसी जोन में आने के बाद आपको मार्केट का एकदम से यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रही थी, लेकिन जब थोड़ा नीचे आई तो जब लास्ट वीक मैंने आपको वीडियो दी थी कि जिसका भी यहाँ पे बाइंग का है आप लोग वेट करो, क्योंकि ये लास्ट जोन है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है मार्केट का,
और वही अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो अभी कंटिन्यू नहीं हो रहा है। जब मार्केट आज ओपन हुई, मतलब आज की जो हमारा मंडे का है, इसका एनालिसिस आपको मैंने पहले वाली वीडियो में दिया था। आज मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप ट्यूसडे को आपको क्या करना है, तो कल की जब आप ये मॉर्निंग में वीडियो देखोगे आप, तो टाइमिंग का ध्यान रखना कि ये वीडियो कौन से दिन की है। तो ऐसा नहीं कि आप पीछे 2 दिन की वीडियो देखो, तो आप उसको देख के आप ट्रेड करो। और हमारे जो एक्यूरेट ट्रेड होते हैं उसके लिए हमारा VIP ग्रुप है, नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। हम जो फुल ट्रेड देते हैं, मतलब पूरे दिन का जो हमारा ट्रेड होता है वहाँ पर हम डालते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ आगे। तो ये तो देखो आपके, आप जो मैंने ये वाला जोन यहाँ पे खींचा था, ये मेरा कल का एनालिसिस है, ये मैंने कल खींचा था यहाँ पे कि देखो भाई हमारा जो ये ब्लैक लाइन के अंदर चल रहा था। आपको पता है कि ट्रेंड जब चलता है उसमें क्या होता है, देखो ये हमारा जब पहले वाला इसका पीछे वाला डॉन था, मतलब जो इसने लो लगाया था उसको जब इसने टॉप लगाया वो तो इसने ठीक लगाया भाई, इस वाले टॉप से नीचे लगाया, लेकिन जब उसके बाद नीचे नीचे के लिए आया लोअर के लिए, तो भाई इसने इस वाले लोअर से इसने लो नहीं लगाया, इसी के लेवल में आके रुक गया। अगर आपने मेरी देखा होगा ट्रेंड वाली वीडियो के ट्रेंड को कैसे आपको पहचानना है, उसके बाद फिर से जब ऊपर गया तो देखो उसी वाले लेवल में गया, मतलब यहाँ से मार्केट साइड वेव के लिए सपोर्ट लेने लग गई है इस वाले चैनल के ऊपर, ये जो मेरा चैनल है। अब मैं आपको 15 मिनट के ऊपर ले चलता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। हाँ मैं इसको ऐसे छोटा कर, देखो ये जो आपको मैंने बोला कि ब्लैक लाइन के अंदर मार्केट हमारी एक चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, देखो ब्लैक लाइन के ऊपर हमारी ऐसे मार्केट आ रही थी ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने उस ट्रेंड को रोक लिया है जो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था। अगर आप में से बहुत से लोगों ने सेलिंग का किया होगा कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग के लिए है, हम डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है, तो भाई सेलिंग के लिए अभी डाउन ट्रेंड टूट चुका है, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट ने सपोर्ट पकड़ ली है। यहाँ से मार्केट जहाँ पे अभी है, मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन ये जो जोन है देखो ये वाला जोन आपका, अगर सेलिंग है तो यहीं तक आप वेट कीजिएगा, मतलब कि यहाँ तक आ सकती है, आपका रिकवर हो सकता है, तो इसके नीचे तक, मतलब यहाँ पे एक नीचे कैंडल आ सकती है, लेकिन क्योंकि अभी अप ट्रेंड नहीं बना है, अभी मार्केट साइड व्यू में है। तो आपको मैं बोलता हूँ साइड व्यू कैसे होता है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से हमारी मार्केट जब ऊपर के लिए गई इस जगह में, फिर देखो मार्केट यहाँ तक गई, मतलब ऊपर, उसके बाद मार्केट इस लेवल में आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, और फिर देखो इस जो हमारा ये ट्रेंड था इसको तोड़ा, ऊपर गई, फिर इसी जोन में नीचे आई और फिर ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है कि एक चीज़ जो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वो ये है कि जो हमारा अप ट्रेंड था अभी जिस लेवल में मार्केट चल रही है, अगर आप ये वाला चैनल ड्रा करोगे यहाँ से, देखो इस जोन से अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रा करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट इस चैनल में, मतलब मार्केट साइड व्यू के चैनल में मार्केट इस टाइम चल रही है। तो आपको जो अप ट्रेंड दिख रहा था वो अभी टूट चुका है, अप ट्रेंड मार्केट साइड व्यू है, यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए भी घूम सकती है, नीचे के लिए भी घूम सकती है। अब है कि आपको क्या करना है सब, चलो ये हमारा आ गया 15 मिनट के ऊपर। तो अब मैं आपको पहले ट्रेड दिखाता हूँ हमारे जो कल का मैंने ट्रेड दिया था। भाई देखो मार्केट जब कल हमारे यहाँ पे ओपन हुई थी मॉर्निंग में मंडे को, तो यहाँ पे मैंने बाइंग का ट्रेड दिया था। देखो हमारा टारगेट जो था, टारगेट से ऊपर ही कुछ पिप गया था, यहाँ पे हमारा टारगेट था, मार्केट नीचे आई थी, मतलब हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा, तो उसके बाद यहाँ से उठी और एकदम से यहाँ पे एकदम मार्केट हमारा टारगेट हिट कर गई। उसके बाद देखो एक यहाँ पे फिर मार्केट गिरी नीचे, क्योंकि साइड व्यू है, साइड व्यू में मुझे क्या था, मार्केट ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती है, तो अभी अप ट्रेंड नहीं है ना ही डाउन ट्रेंड, अभी मार्केट साइड व्यू में है। तो देखो उसके बाद फिर हमने यहाँ से एक बाइंग का लिया है, इसमें दिखाता हूँ, मैंने ये मैंने सिंगल अपने ग्रुप में भी डाला है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ये देखो ये जो रेड लाइन यहाँ मैंने खींची, मेरा टारगेट 1 था यहाँ पे, जब मैंने इस ट्रेड को लिया था, देखो हमारा स्टॉप लॉस नीचे था इस लेवल तक जो हमारा इसका जोन है, और ये मेरा जो सेकंड रेड लाइन है ये मेरा सेकंड टारगेट है, और ऊपर देख रहे हो आप यहाँ पे 1900 मेरा यहाँ पे थर्ड टारगेट है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा हिट हो चुका है, सेकंड भी हिट हो चुका है, अब मेरी मार्केट थर्ड टारगेट के लिए जा रही है। लेकिन यह जो हमारा जोन है, मैंने आपको बोला ये वाला जोन, देखो जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जोन मार्केट जो जा रही है वो इसी जोन तक जा रही है, ये हमारा साइड व्यू का जोन है, लेकिन मेरा ऊपर है कि वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये देखो आप यहाँ, ये मतलब अगर देखेंगे हम इसमें मार्केट, तो मैं इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि ये जो जोन है, मतलब हमारा ये वाला जोन, इस जोन में मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जाएगी। अगर आपका बाइंग का है तो आप लोग होल्ड कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आपको अभी बाइंग का यहाँ पे ट्रेड लेना है, मतलब यहाँ पे अगर आप हो तो आप आराम से यहाँ पे 1900 तक का टारगेट ले सकते हो, अगर मार्केट यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि अभी मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो जब मैं पब्लिक करूँगा तो वो ट्यूसडे का सुबह देखोगे इसको, तो तब तक मार्केट चल ही रही है, क्योंकि 1 घंटे के लिए मार्केट को क्लोज हो गया। अभी आप टाइमिंग भी देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ से फिर भी मार्केट गिर सकती है, मतलब नीचे यहाँ तक आ सकती है, ले होने को यहाँ पे, मतलब क्या हो सकता है, अप ट्रेंड मार्केट यहाँ से
ले सकती है। आपको मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। जिसका बाइंग का ट्रेड है वो यहाँ पे 1900 तक के लिए जा सकता है, और जिसका यहाँ पे सेलिंग का है वो भी वेट कर सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। और आपको जो मैंने बोला ये वाला जोन देखो, इसकी रेडिंग है 1.6, 1.86, 1.886 तक, या अगर जो इसका लो रहा है अभी तक वो है 1.884। तो यहाँ कहीं पर अगर आपने अपनी सेलिंग की है तो आप सेलिंग को होल्ड करके रखो। अगर मार्केट ये जो हमारा है 1905 या 1908 या 1911 या 10, अगर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, मैं आपको बोलता हूँ लास्ट जोन कौन है, कौन सा है इसका। देखो यहाँ पे अभी हमारी मार्केट है, अगर मार्केट ये जो यहाँ पे मान लो ऐसे आती है और यहाँ से ऐसे जाएगी ऊपर, तो आप फिर अपनी सेलिंग को क्लोज़ कर लेना। वरना अगर आप चाहो तो यहाँ पे जहाँ पे भी मार्केट है 1894 पे, यहाँ से आपको मार्केट देखने को नीचे के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी मार्केट साइड व्यू में है। अभी आगे जो आने वाला टाइम है वो मार्केट आपको अप ट्रेंड देखने में मिलेगी गोल्ड के अंदर, लेकिन अभी अप ट्रेंड नहीं है, अभी हमारा साइड व्यू है। यहाँ से मार्केट नीचे के लिए भी टूट सकती है, ऊपर के लिए भी जा सकती है, लेकिन आप यहाँ पे 1900 तक के लिए बाइंग कर सकते हो। और वहाँ पे जाने के बाद अगर मार्केट से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे जहाँ पे अभी मार्केट का लेवल जो मैंने खींच के रखा है तो यहाँ तक सेलिंग कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ हमारे जो आज मैंने ट्रेडिंग किया, भाई सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौज हो गई है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाला है। और मैंने जो यहाँ पे सिग्नल्स दिए थे वो देखो, हमारे जो जितने भी ट्रेड लगे थे ये मैं दिखाता हूँ आपको। चलो यहाँ से स्टार्ट है, तो पहले मैंने यहाँ पे बाइंग की थी 1889 पे, यहाँ पे मेरा 30 पिप का मेरा प्रॉफिट हुआ था, मतलब 27 पिप का प्रॉफिट हुआ ही, आप देख सकते हो तो 27 डॉलर का, मतलब इस वाले पे सब मेरे 10 10 डॉट के यहाँ पे थे, तो सब में मेरा प्रॉफिट सेम हुआ है यहाँ पे। ये मेरा पहला टारगेट यहाँ पे ट्रेड था, जो आप नीचे देख भी सकते हो यहाँ पे। ये मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में सिग्नल डाले हुए हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरे उसके बाद मेरा था 1893 पे मेरा था यहाँ पे, इसमें 20+ पिप का प्रॉफिट हुआ है, नीचे देख पा रहे हो आप। तो ये मेरे जो पहले के जो मैंने ऊपर आपको दिखाया ये वाले ट्रेड, ये जो 1889 पे था, ये कंटिन्यू मेरे लगे थे ट्रेड, तो देख पा रहे होंगे 1889 वाले, इसमें 60+ डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैंने नए ट्रेड लगाया क्योंकि मार्केट जब ऊपर के लिए जा रही थी। ये वाला जो आपको दिखाया मैंने, ये वाला ट्रेड, ये वाला यहाँ पे पहला वाला ट्रेड, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मार्केट फिर से फॉल डाउन हो गया, और फिर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये वाले ट्रेड लगाए। उसके बाद जो अभी मेरा लास्ट वाला जो ट्रेड लगा है, ये अभी स्टिल मेरे ट्रेड चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं। और ये देखिए आप, इतने ट्रेड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सब स्क्रीनशॉट है, जो मेरा लास्ट है वो मेरा अभी 92 तक गया है, और इतना भी प्रॉफिट चल रहा है 1895। देखो जो इसकी रीडिंग है अभी, कहाँ तक मार्केट गई थी, मार्केट गई है हमारी 1895 तक, और 1887 पे हमारा यहाँ पे बाइंग का है, और 1895। चलो अभी कहाँ पे है मार्केट, अभी है 1894 पे मार्केट अभी है। तो जो मैंने सेकंड टारगेट रखा था इसका, ये मेरा हिट हुआ है। अब मैंने इसको स्टॉप लॉस कर दिया, मतलब जो मेरा ट्रेड लग रहा है, मतलब मैंने सेकंड टारगेट को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है कि अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो जो मेरे दो टारगेट हिट हुए हैं तो वहाँ पर मेरा स्टॉप टारगेट कट जाएगा। लेकिन अभी वहाँ पर मतलब मार्केट ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही है, 15 मिनट के ऊपर है। अगर आपको 5 मिनट के ऊपर दिखाऊँगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो एकदम मार्केट ने पूरा उछाल लिया हुआ है, तो मार्केट यहाँ से बहुत दूर है। अगर आते ही है मार्केट नीचे तो मेरा यहाँ पे ये वाला होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने वीआईपी ग्रुप के कुछ सिग्नल्स जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। देखो यहाँ पे हमारे ये जो सिग्नल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग का मैंने दिया है यहाँ पे 1/1887। तो ये आप देख पा रहे होंगे नीचे जो मैंने आपको ट्रेड दिखाए 1887 पे, जितने भी मेरे ट्रेड लगे हैं वो यहाँ पे लगे हैं 1887 पे। देखो वही प्रॉफिट चल रहा है। अब व्यक्ति किसको शक है तो आप लोग, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये मेरा वीआईपी ग्रुप है, ये हमारा मेरा दो वीआईपी के ग्रुप है, एक हमारा ये है, दूसरा मैंने कम्युनिटी वाला बना के रखा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने अब मैं कम्युनिटी में लोगों को ऐड करता हूँ, जो मेरा वीआईपी का ग्रुप है। इसमें होता ये है कि जितने में मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जो पहले मेरा फुल टाइम ग्रुप था, अब मैंने कम्युनिटी क्रिएट किया, और जो मेरा ग्रुप है जिसमें आप सब लोग ऐड हैं वो भी कम्युनिटी है। आपको किसी और का नंबर वहाँ पर नहीं शो होगा, वरना लोग पर्सनली आते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे को पर्सनली मैसेज करते हैं, तो जो मैं चाहता नहीं, और उससे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो वो इसलिए हमने कम्युनिटी क्रिएट किया। आप लोगों को लग रहा है कि हमारे वीआईपी ग्रुप में जितने भी लोग ऐड हो रहे हैं कि हम आपको सिर्फ मैं दिख रहा हूँ और अपना आप दिख रहा है, वो कम्युनिटी में आपको कोई और नहीं देखेगा, सिर्फ अपना आप और मैं, मेरा नंबर देखेगा। तो देखो ये मेरे लाइव प्रूफ है जो मैं आपको कम्युनिटी भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे जो सिग्नल्स हैं ये देख पा रहे होंगे आप,
एक्स ए यू यूएसडी बाई 1887 भाई, ये व्हाट्सएप मैंने खोला हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ पे फिर से खोलता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ कुछ। ये मेरा व्हाट्सएप है यहाँ पे जो मैंने खोला हुआ है, मेरा व्हाट्सएप बिजनेस, इसमें मैं वीडियो भी डालता हूँ। और यही सेम स्क्रीनशॉट मैंने अपने इस वाला जो मेरा ओपन ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखी है, यहाँ पर भी मैंने शेयर किए हुए हैं सब वीडियो जो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ये भी हमारा कम्युनिटी है, इसमें आपको मैं सुन नहीं देता, इसके लिए हमारे वीआईपी ग्रुप है और हमारा अकाउंट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो भी हम करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो सबसे पहले आपको हर रोज़ सुबह 5 या 6 बजे हमारी वीडियो पब्लिक हुआ करेगी, और 8-9 बजे मैं उठता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, रात को मैं लेट होता हूँ, तो मैं इसी ग्रुप में ये वीडियो डाल देता हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आप सबसे पहले उठते हो तो जल्दी उठते हो तो सबसे पहले आपको चैनल को चेक करना है क्योंकि आपको सब्सक्राइब करके रखना है। जो हमारा एनालिसिस आता है एक्स ए यू एस डी करके एनालिसिस वाली वीडियो, उसमें आपको देख लेना है कि आपको क्या करना है। तो आप जब इस वीडियो को सुबह देखोगे आपको जितना हो सकता है आप बाइंग की यहाँ पे पोजीशन कीजिएगा, सेलिंग की तरफ आप नहीं जाओगे। आप मतलब लॉन्ग अगर आपका ट्रेड फंसता भी है बाइंग में वो आपको रिकवर हो जाएगा, अगर आप सेलिंग के लिए जाओगे तो आपका ट्रेड ज़्यादा टाइम के लिए लॉस में हो सकता है। बाकी एक्यूरेट नहीं है ये, एक्यूरेट सिग्नल हमारे वीआईपी ग्रुप में ही होते हैं क्योंकि वहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। अभी यहाँ से मालूम मार्केट के लिए फॉल होती है और आपको न्यूज़ का भी ध्यान रखना होता है। देखो यहाँ पे आगे कोई न्यूज़ है कि नहीं है वो आपको कहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे देखो अभी आप देखोगे 24 अप्रैल को अभी न्यूज़ है, तब तक कोई न्यूज़ नहीं है, 24 अगस्त को न्यूज़ है सॉरी, उसके 25 अगस्त को न्यूज़ है। तो जब भी न्यूज़ है मार्केट में यहाँ यहाँ आपको कुछ कुछ न्यूज़ दिखती है लेकिन सब न्यूज़ आप यहाँ पे नहीं देख पाते होंगे, उसके लिए आपको अलग से देखना होता है। वो मैंने बता के रखा, अगर किसी को पता नहीं है तो कमेंट करो, उसके ऊपर आपको मैं वीडियो दूंगा। और इसके अलावा किसी और करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हो या आपको एनालिसिस चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके बोलो। और आप सब लोगों को अगर किसी में भी किसी को भी आप में से अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है या आपको हमारे वीआईपी ग्रुप के सिग्नल चाहिए या फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो आपको नहीं आती, तो नीचे मैंने आपको क्या किया है एक लिंक दे रखी है ट्रेडिंग गुरु ऐप करके, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो ट्रेडिंग गुरु। तो वहाँ पर जब आप वहाँ पर जाके आपको सारे ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना है, जीरो टू हीरो कोर्स को मिलेगा, फिर एडवांस हीरो कोर्स मिलेगा। अगर आपको बेसिक आता है तो आप सीधे एडवांस लेवल वहाँ से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप बेसिक वाला वहाँ पे खरीद सकते हो। तो चलो फ्रेंड इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और आपको कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में सब लोग ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप में जॉइन होना कंपलसरी क्योंकि सब जितनी भी हमारी लाइव ट्रेडिंग होती है, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दिन को भी लाइव आऊँ, लाइव ट्रेडिंग करवाऊँ, क्योंकि हम लाइव ट्रेड करते हैं, लाइव प्रॉफिट करवाते हैं। जितने भी यहाँ पे ये ट्रेड हैं इसमें से कुछ ट्रेड हमारे लाइव के हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये जो पीछे की, ये हमने लाइव ट्रेड किए हैं, ये वाले ट्रेड सब प्रॉफिट में, ये जितने हमारे ट्रेड हैं और जितने भी सिग्नल हैं आप सब चेक कर सकते हो। ये ट्रेड ये सब वीडियोज़ रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पर पड़ी हुई, जो हमारे लाइव ट्रेडिंग का सेशन है आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप ये सब चेक कर सकते हो। आज मैंने आपको अपना व्हाट्सएप भी दिखाया, हमारा जो वी आई पी ग्रुप है आपने लाइव चेक किया कि कितने उसमें प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने अभी देखो ट्रेड कंटिन्यू रनिंग में है इसमें, तो सब आपके सामने है। जिसको ट्रेडिंग करनी है गोल्ड के अंदर फॉरेक्स के अंदर, हर रोज़ सुबह 5-6 बजे हमारी वीडियो आ जाया करेगी, तो इसको देखो उसके बाद ही ट्रेड लो, और एक्यूरेट सिग्नल के लिए हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। हम यहाँ पे ऑफ़र भी निकालते हैं कभी कभी अपने ग्रुप में, तो वहाँ से आप लकली कभी कभी हमारा अगर आप ऑफ़र विनर बनते हो तो हमारे $100 आपको मिल सकते हैं वहाँ पे, तो क्या ट्रॉस होते हैं वो आपको हम वहाँ पे बोल देंगे। इसके अलावा हम वहाँ पे फ्री में वीआईपी सिग्नल देते भी हैं कभी कभी, तो बहुत कुछ हमारे ग्रुप में होता है जो आप फ़ायदा ले सकते हो, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू फ्रेंड।